Now we are starting our next chapter of physics, that is chapter number 10, magnetic field due to electric current, subject physics, standard 12th, Maharashtra State Board. Okay, I am Professor Snehal Dubey, welcoming you all on Navodaya Maths Academy. Introduction about the magnetic field. Okay, तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन है। मतलब जब भी हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, यानी हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टिंग मटेरियल में या वायर में सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ओके, है ना। तो ये किसने सबसे पहले पता किया, तो हैंस क्रिश्चियन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको पता किया। हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड वाज द फर्स्ट मैन, सॉरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही है मुझे, फर्स्ट मैन हु डिस्कवर्ड दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, तो ये फर्स्ट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट गॉस, हेनरी, फैराडे प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में हैंस क्रिश्चियन करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हो तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है कंडक्टिंग मटेरियल में। उस बेसिस के अकॉर्डिंग या उस पर्टिकुलर स्टडी को बेस बनाकर बाकी के जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जैसे गॉस, हेनरी, फैराडे, है ना, इन सब ने क्या किया और ये प्रूव करके दिया कि हाँ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशन होती है, है ना। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूफ करके दिया है, अलग अलग थ्योरी उन लोगों ने बनाई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने अपने आर्टिकल्स लिखे और उसके बेस पे फिर बाद में क्या हुई, मशीनरीज डेवलप हुई और उन मशीन्स में हम आज क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, तो मैक्सवेल थ्योरिटिकल वर्क्स ऑल्सो प्रूफ्स देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी थ्योरी प्रोवाइड की और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये प्रूफ करके दिया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर रिलेशन है। मतलब जब हम करंट पास करवा रहे हैं कंडक्टिंग मटेरियल से, तो वहां पर क्या डेवलप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, किसी भी मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। मतलब जब तक वहां से करंट पास करेगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते रहेगी, लेकिन करंट अगर पास होना बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो एज पर ऑल दिस थ्योरी, देयर इज सो मेनी एप्लीकेशंस हैज बीन डेवलप्ड व्हिच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, सच एज इलेक्ट्रिक मोटर्स। हम यूज करते हैं डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक मोटर्स को, जनरेटर्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम को और कंप्यूटर्स को। ये सब क्या है, ये इसी थ्योरी के ऊपर वर्क करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर रिलेशन है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स और जनरेटर जितना भी है, ये पूरा एक ही वर्किंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दो लॉ दिए हैं फैराडे ने और उन दो लॉ के बीच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल मशीनरीज के पूरे जो मेन इक्विपमेंट्स हैं, वो सब वर्क करते हैं। जैसे डीसी मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर हो गया, सिंगल फेस और थ्री फेस, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर, जनरेटर, डीसी और एसी जनरेटर्स, ठीक है, और ट्रांसफार्मर एज वेल, है ना। तो ये सब क्या है, कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेन पार्ट्स हैं। ओके, तो ये इन सभी साइंटिस्ट ने क्या करके रखा है, अपनी अपनी थ्योरी दी है और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या है, एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड, राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वायर, देन द रिमेनिंग करंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू द वायर देन द रिमेनिंग फिंगर्स, यहाँ पे क्या आएगा आपका रिमेनिंग फिंगर्स आएगा, एक मिनट, रिमेनिंग फिंगर। अब आप अपने राइट हैंड को एक काम करो मोड़ो, ठीक है, जब आप राइट हैंड को क्या करेंगे यूज करेंगे है ना, तो आपके थंब को क्या करना है हमको करंट के डायरेक्शन में रखना है, ओके है ना, तो थंब क्या आ जाएगा आपका ऊपर की तरफ शो करेगा करंट का डायरेक्शन, बची हुई जितनी भी चार फिंगर रहेगी वो चारों फिंगर क्या करेगी ऐसे टर्न होकर आपके डायरेक्शन में आने लगेगी, आपके आपके चेस्ट की तरफ आने लगेगी, ओके, हाथ को ऐसे करके देखना जब ये वीडियो सुनोगे उस वक्त, ओके, तो ये बाकी की जो फिंगर है ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, थंब किसको शो कर रहा है, थंब करंट को शो कर रहा है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब क्या होकर हो रहा है, तुमको एक फोर्स डेवलप हो रहा है, ये आ गया ये फोर्स, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, ओके, एक मिनट, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, बाकी की जितनी भी फिंगर हैं वो आपके चेस्ट की तरफ इस तरफ आ गई, ऐसे ऐसे मोड़ के रखोगे आप हाथ को तो ये इस तरीके का आ जाएगा, है ना, तो ये बाकी की जितनी भी फिंगर्स हैं कर्ल्ड फिंगर्स वो सब क्या कर रही हैं, मुड़ी हुई फिंगर्स वो सब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक क्या आ गया यहाँ पर आपका फोर्स आ गया है ना, जो परपेंडिकुलर हो जा रहा है करंट के साथ में और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स जो है ये वायर नंबर वन के तरफ लगेगा, किस तरफ लगेगा, वायर नंबर वन की तरफ लगेगा, मैं आपको शो करूंगा वायर नंबर वन अभी। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट सो द वायर टू विल एग्जर्ट सम फोर्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वायर वन, तो यहाँ इसलिए वायर वन है, ठीक है, तो अब जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट में फ्लो होने लगेगा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, आपको जो फोर्स एग्जर्ट होगा रेस्पेक्टिव इसमें वो फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, वो हमेशा वायर नंबर वन के डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा, ओके, तो ये आ गया आपका वायर नंबर वन, फोर्स किधर आ गया इधर, ये हो गया करंट थंब, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, चारों की चारों आपकी मुड़ी हुई फिंगर्स जो है वो इस डायरेक्शन में शो करेंगी, उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये वोल्टेज जो डेवलप होने वाला है वो, ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर, आगे बढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है ना, अब ऑब्वियस है अगर वहाँ फील्ड डेवलप हो रही है तो वहाँ पर फोर्स भी डेवलप होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ वी बी एफ है ना, according to right hand rule the direction of voltage magnetic field and the force follows the vector cross product relationship, matlab in dono ke beech mein kya hai, in teenon ke beech mein kaun sa relationship develop ho raha hai, inke beech mein ek vector cross product relationship develop hoga, ye aage wale points mein hum kya karenge dekhenge, okay, theek hai, to the magnetic force fm acting and on an electron of minus e charge moving with a velocity v in a magnetic field b is, अब क्या हो रहा है, आपको थोड़ा सा assumption करना पड़ेगा कि आपके पास आप देख रहे हैं आपके पास क्या अवेलेबल है, एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ हम क्या यूज किए हैं माइनस इलेक्ट्रॉन का ई नेगेटिव चार्ज, ओके, ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मूविंग पार्टिकल के समान रोटेट हो रहा है ना, ठीक है, तो उसकी जब वो मूविंग पार्टिकल के समान मूव हो रहा है इसका मतलब उसकी क्या है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी भी है ना, तो उसके ऊपर क्या करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का एक पर्टिकुलर फोर्स भी एग्जर्ट करेगा, यानी फोर्स वेलोसिटी एंड बी मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों क्या हो गए डायरेक्शन वाले वेक्टर क्वांटिटीज हो गए, किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन चार्ज के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, अब ये फोर्स हो गया मैग्नेटिक फोर्स एफएम, एफएम इज इक्वल टू माइनस ई वी इन क्रॉस इनटू बी, यहाँ मैंने पहले ही बताया इनके बीच में क्या है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशनशिप है, तो वी क्रॉस बी लेना पड़ेगा अपने को है ना, यहाँ एफ एम है, इस एफ एम के ऊपर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक एरो लगा सकते हैं है ना, कई बार क्या होता है पीपीटी बनाते समय थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ है ना, तो ये आ गया अपने पास, ओके,
एफ एम इज इक्वल टू माइनस ई वी इंटू बी। ये जो सिम है एरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर और वेक्टर, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। इफ द चार्ज क्यू इज देयर देन द मैग्नेटिक फोर्स विल बी। अब वहां पे क्यू चार्ज आ गया, है ना, नंबर ऑफ चार्ज कितने हो गए। जब तक एक ही चार्ज था तो माइनस ई, क्योंकि उसकी नेगेटिव वैल्यू थी, इंटू वी क्रॉस बी था। अब हम बोल रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ चार्जेस कितने अवेलेबल हैं, क्यू चार्ज अवेलेबल है, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी बोल सकते हो तुम इसको। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर टू। यहाँ पे भी एरो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन बोथ द फील्ड्स आर प्रेजेंट देन द टॉर्क एक्सर्ट बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अब देखो, अब वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है। जब दोनों भी फील्ड अवेलेबल होगी तो उस पर्टिकुलर क्यू चार्ज में कितना फोर्स एक्ट करेगा। व्हेन बोथ द फील्ड्स आर प्रेजेंट देन द टॉर्क एक्सर्ट, टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स, टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्ट बाय द चार्ज क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी वी इन। तो ये आ गया आपके पास एफ इज इक्वल टू क्यू, फोर्स टॉर्क F इज इक्वल टू क्यू इन टू। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड थी तो V क्रॉस B अवेलेबल था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई तो वो ऐड हो जाएगा, तो E प्लस V क्रॉस B इक्वेशन नंबर थ्री। अगला देखो, इसको सेपरेट कर सकते हो आप, F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई प्लस क्यू इन टू वी क्रॉस बी। ये Q को हमने क्या किया, अंदर में मल्टीप्लाइड कर दिया। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू इन टू ई एफ ई, यानी कि फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू इन टू वी क्रॉस एम प्लस एफ एम, यानी फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फोर्स। तो ये आपके लिए हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपके लिए हो गया मैग्नेटिक फोर्स, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट आता है आपका लॉरेंस फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक नया आ गया लॉरेंस फोर्स। ओके, द लॉरेंस फोर्स इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ फिगर, है ना। अब ये फिगर जो है वो यहाँ मैंने ड्रॉ करके रखा है, इसके अकॉर्डिंग इस लॉरेंस फोर्स को डिस्क्राइब किया है। उसके पहले मैं यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स ले लेता हूँ ताकि वो आपको दिखाई दे। तो ये देखो, ये आ गया आपका फिगर, ये वेलोसिटी वी, ये आ गया आपका बी मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और ये आ गया आपका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वी इंटू बी। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वी और बी के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का एंगल अवेलेबल है, और वी क्रॉस बी क्या हो रही है, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पर आ रही है, किसके, इस प्लेन के, किसके परपेंडिकुलर पर आ रहा है, ये वी क्रॉस बी प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आ रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर पर। ओके, तो द लॉरेंस फोर्स इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द फिगर। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉरेंस फोर्स लॉ। फर्स्ट, व्हेन द वेलोसिटी वी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इन पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड बी देन द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है, लॉरेंस फोर्स के में लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लॉ बना के दिया, लॉरेंस फोर्स लॉ। इसके दो पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, वेलोसिटी वी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इन पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड बी। अगर वी और बी एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पर जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। When the charge is stationary, चार्ज क्या है, अब वहाँ पर मूवमेंट नहीं कर रहा है। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। फोर्स की वैल्यू भी जीरो, वेलोसिटी भी जीरो, क्योंकि मूवमेंट में नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर, हमने पिछली साइड में देख स्लाइड में देखा इक्वेशन नंबर फोर, फ्रॉम इक्वेशन फोर वी ऑब्जर्व दैट द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, तो इक्वेशन फोर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ओके, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फोर वी ऑब्जर्व दैट द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेट्यूड ऑफ द चार्ज। द मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी वी एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द चार्ज क्यू।
ये भी है इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना, है ना ये, ठीक है। तो ये आपको देखना है एक बार। आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखो ये अगला आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू फिगर द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अवे फ्रॉम ईच अदर। मैंने बताया आपको वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल है, एन एंगल, एंड देयर प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू देम। तो उनका प्रोडक्ट क्या था, वो परपेंडिकुलर है, यानी वी क्रॉस बी क्या हो रहा था, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पे आ रहा था उस प्लेन के, जिस प्लेन में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में क्या है, अपार्ट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, दस द वेक्टर वी एंड एफ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर। अब क्या हो जा रहा है यहाँ पर, वेक्टर वी वेलोसिटी एंड फोर्स दोनों की वैल्यू एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में आ रही है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट जब आप परपेंडिकुलर क्वांटिटी का लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एफ डॉट वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो जीरो फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ भी हो, अगर वहाँ पर फोर्स और वेक्टर वी दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट परपेंडिकुलर पर आते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, आगे बढ़े, देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, हेंस द मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट डू एनी वर्क ऑन मूविंग चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो हो रहा है वो उस रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट के साथ में परपेंडिकुलर में आ जा रहा है। सपोज कोई चार्ज है, वो क्या कर रहा है, एक मोमेंट में है, उसके रिस्पेक्ट में वो जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उसके साथ में मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर में अवेलेबल होने के कारण उस चार्ज के ऊपर किसी भी तरीके का वर्क डन पॉसिबल नहीं है, यानी वहाँ आप कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हो। Therefore, the magnetic force can change the direction of the charge, but it is not able to change the speed. अब क्योंकि आप वहाँ work नहीं कर पा रहे हो तो उस magnetic force की वजह से उस charge का, moving charge का direction तो change होगा लेकिन उसकी speed के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पहले circular motion में या 11th में linear motion में भी देखा है कि जब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तभी कोई क्वांटिटी की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है, या हम फोर्स कम करते हैं तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ के केस में क्या हो रहा है, यहाँ के केस में मैग्नेटिक फोर्स वर्क तो कर रहा है, मतलब एक्ट तो हो रहा है चार्ज के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक्ट हो रहा है, वो उसकी स्पीड पे कोई भी इफेक्ट डेवलप नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इस वजह से जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वी क्रॉस बी एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पर, एन कैप है यूनिट वेक्टर। ओके, है ना, यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, एन कैप इज इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन थीटा एन कैप, इक्वेशन नंबर 5, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, वो फिगर में भी अवेलेबल है, एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अब इसके अकॉर्डिंग वी नो बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी एंड द यूनिट इज एन एस अपॉन सी एम। ये आपको याद रखना है, इसको आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है ना, यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला। टेस्ला कौन है, टेस्ला एक साइंटिस्ट है, है ना, तो उसी के नाम पर हमने, उन्हीं के नाम पर क्या किया गया है, ये यूनिट रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला टी। टेस्ला गूगल कंपनी में इलेक्ट्रिक कार चलती है यूएसए में, ठीक है, उसका नाम भी टेस्ला है, वो एक इलेक्ट्रिक कार है लेकिन उसको टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पर ही डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका साइक्लोट्रॉन मोशन, क्या है ये, साइक्लोट्रॉन मोशन। अब एक पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है वो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन में अगर आता है तो, अब सर्कुलर मोशन चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो वो कंटिन्यूसली अपने एंगल को चेंज करता है, उसकी स्पीड चेंज हो या ना हो लेकिन उसका एंगल क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, क्योंकि एक सर्कल को बनाने के लिए आपको 0 to 2π रेडियन या 0 to 360 डिग्री कवर करना पड़ता है। तो उसी मोशन को मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन मोशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइक्लोट्रॉन मोशन। व्हेन अ पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल हैव द सर्कुलर मोशन।
a particle with charge q moving with a speed v and uniform magnetic field b is directed into the plane of paper. तो plane of paper में अपन consider किए कि ये हम draw कर दिए. इस plane of paper के दो axis हैं. एक axis हो गया आपका x, दूसरा axis हो गया आपका y. Okay? ठीक है, तो एक axis हो गया आपका x, दूसरा axis हो गया आपका y. According to Lorentz force law, Lorentz force law के according the magnetic force of the particle will act towards the center of circle of radius r. Obvious है, magnetic force किस तरफ act कर रहा है? Radius r की तरफ act कर रहा है. जब magnetic force इधर act करेगा, तो particle जब circular motion में होता है, तो उसके ऊपर centripetal force भी act करता है, है ना? पहले भी हमने देखा है, centripetal force हमेशा center के towards में act करता है. ये किधर act कर रहा है? इसके away में act कर रहा है. ये इसके enter में act करेगा. तभी ये centripetal force के कारण क्या होगा? ये particle या ये charge जो है, ये एक circular motion को proper way में क्या करेगा? Gain करेगा. क्या करेगा? Proper way में gain करेगा. तो उसका फिर formula क्या हो जाएगा? दस QVB, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स. ये किस तरफ लगता है? सेंटर से अवे लगता है. ये MV स्क्वायर बाय R, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स. ये हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? अंदर की तरफ लगता है, यानी सेंटर की तरफ लगता है. तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होगा. एक फोर्स सेंटर से अवे जा रहा है, दूसरा फोर्स सेंटर के टूवर्ड्स में आ रहा है. यानी तुम ये भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल है, और दूसरा फोर्स है वो सेंट्रीपिटल है. सॉरी दस क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर. एम से, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? एम वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू बी आर. ओके, द अबव इक्वेशन इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला. द अबव इक्वेशन इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला. यहां पर क्या किया? वी से वी को कैंसिल किया, ये क्यू बी बच गया, क्यू बी आर हो गया. एम वी इज इक्वल टू पी ले सकते हैं, है ना? एम वी इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू क्यू बी आर. इक्वेशन नंबर वन, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला. द अबव इक्वेशन इज नोन एज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ पार्टिकल एक्सीलरेटर. ठीक है, तो ये आपका क्या है? थैंक यू वेरी मच, है ना? अगर कोई भी क्वेरी होगी तो मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ लेना या कॉल करके पूछना, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच.